बेटी है रैसलिंग के क्षेत्र के बड़ा इनका नाम है साक्षी मलिक। ये अपने पति नाल तक श्री दमदमा साहब पहुंची है। सुन के बड़ी हैरानगी हुई है कि इन लड़कियों के नाल जिहड़ियां खेड़दियां ने अपने परिवार का अपने देश का नाम रोशन करदियां ने इन्हां दे नाल सैक्सुअल हरासमेंट की जाती है और किसी आम व्यक्ति वालों नहीं की जाती बल्कि एक जिम्मेवार जिहड़ा संविधानिक पद के उत्ते बैठा है मैंबर पार्लीमेंट है उस वालों की जाती है। तो ये लड़कियां 32 दिनों तो उत्थे संघर्ष कर रही ने लेकिन अजे तक भारत सरकार ने इन्हों न्याय दवाउन दे विच इन्हां लड़कियां दा साथ नहीं दिता। जे इस तरह चलता रहिंदा है तो किहड़ा बंदा जिहड़ा अपनियां लड़कियां नूं खेडां दे खेतर च भेजेगा। तो मैं भारत सरकार नूं कहना चाहुंदा कि इन्हां लड़कियां दी आवाज़ सुने और इन्हां लड़कियां दी आवाज़ सुन के इन्हां नूं इंसाफ देवे ताकि साड़ियां जिहड़ियां बेटियां ने साड़ियां जिहड़ियां बच्चियां ने वो भय मुक्त हो के डर तो रहत हो के खेडां दे खेतर दे विच अपना भी नाम रोशन करन और अपने देश का नाम भी रोशन करन। भारत सरकार नूं जरूर इन्हां दी आवाज़ सुननी चाहीदी है और जो ये संघर्ष कर रहीआं ने देशां विदेशां दे विच बैठे मैं सारे ही लोगों नूं ये कहना चाहांगा चाहे वह किसी भी धर्म किसी भी जात नाल संबंधित है कि इन्हां बेटियां दे नाल डट के जिहड़ा है वह पहरेदारी करिए इन्हां बेटियां नूं इंसाफ जिहड़ा है वह अपनियां बेटियां समझ के दवाउण दा यतन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। हमें 32 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जंतर मंतर पे बैठे हुए बेटियों की न्याय की लड़ाई के लिए। तो 28 तारीख को हम नए संसद में महिला महापंचायत करने वाले हैं और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का बेटियों का समर्थन चाहिए क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है। और बस यही हाथ जोड़ के हम समर्थन मांगने आए थे और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बातें सुनी, हमें समर्थन दिया और आश्वासन दिलवाया है कि वो हमारा बढ़ चढ़ के साथ देंगे। कैसी मुश्किलें आ रही हैं आपको जो आपकी मांगे क्या क्या सरकार आपसे बातचीत कर रही है कोई कि आप ये अभी तक संघर्ष कर रहे हो? नहीं, सरकार से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। मुसीबत तो देखो इतनी गर्मी में 32 दिन हो गए हैं बैठे हुए तो बस मुसीबत तो आ ही रही है लेकिन अभी लड़ाई ऐसी है कि वो मुसीबत हमें हटा नहीं सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती। बस हमें कैसे भी करके लड़ाई जीतनी है क्योंकि एक मैसेज है ये बेटियों की भारत की बेटियों की लड़ाई है और हमें मैसेज देना है ये लड़ाई जीत करके कि बेटियां आगे अगर उनके साथ गलत हो तो वो आवाज़ उठा सकें।